हेलो माय डियर सोल फैमिली, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सारे बहुत ही खुश होंगे और मुस्करा रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग, जो आप सभी ने कमेंट सेक्शन में बार बार मेंशन की है, जो होगी आपके पार्टनर के सीक्रेट और नॉटी थॉट्स। आपके लिए ऐसी चीज़ें जो आपके साथ वो करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कभी भी खुलकर बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको शर्म होती है, हिचकिचाहट होती है और उनके मन में ये सारी चीज़ें हैं कि वो आपके साथ करें। तो रीडिंग होने वाली है बहुत ख़ास, आगे तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे हमें आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए, शांत मन से कामली उनके बारे में सोचिए, सारे पॉजिटिव थॉट्स मन में भरिए और रीडिंग को ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हम एंजल से पूछते हैं, डियर एंजल्स, आपके पार्टनर आपके बारे में सीक्रेटली क्या सोचते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए। शांत मन से देखिएगा। ओके, कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, एक और कार्ड आ गया है हमारे पास, चैरियट, द एंजल्स। क्या है उनके पार्टनर के नॉटी थॉट्स? दो चीज़ें, डेथ, उसके बाद है पेंटिकल्स, ओके, फिर से थैंक यू सो मच। ध्यान से अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। डियर एंजल्स, ओके, एक और कार्ड, एक और कार्ड, ये देखिए, एक कार्ड और लेंगे हम, एंजल्स, ओके, थैंक यू। देखिए, वाओ, सो माय लवलीज, आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा ना रोमांटिक किस्म के आदमी है, या फिर काफ़ी रोमांटिक फीमेल है। ये जो रीडिंग है जेंडरलेस है और टाइमलेस है। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बार बार पूछते हैं तो मैं आपको बता रही हूँ। एक चीज़ और, रीडिंग स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं, आप में से बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि प्लीज़ मैम, प्लीज़ हमारे जोडियक साइन पर रीडिंग बता दीजिए। तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में ऑल जोडियक साइन करके एक पूरा का पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पे जाके आप अपनी राशि के लिए एक सीक्रेट और छोटा सा स्पेशल मैसेज चेक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो इस रीडिंग में मैं देख पा रही हूँ आप जो है अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो में हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल, कुछ ही लोग हैं जो अभी बातचीत में हैं, या फिर कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ अभी मैरिड हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो अभी नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो में। तो शुरुआत यहाँ से करते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं वो है ये थ्री ऑफ सोर्ड्स। गाइज, मैं देख पा रही हूँ आप दोनों जो नो कॉन्टैक्ट सिनेरियो में हैं, इसका साफ साफ मतलब ये है कि आप दोनों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हुई है, या लड़ाई हुई है, या फिर ऐसे हुआ है कि उन्होंने थर्ड पार्टी को सिलेक्ट कर लिया है आपको सिलेक्ट ना करते हुए। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली हो गई, या उनके फ्रेंड्स हो गए, या कोई स्पेशल पर्सन जो उन पर बहुत ज़्यादा कब्ज़ा करे हुए हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके बारे में आप जानते ही ना हो, या कोई भी किसी भी तरीके का बैड इन्फ्लुएंस। तो हुआ यह है कि उन सारी चीज़ों की वजह से आप दोनों अभी सेपरेशन में हैं, ठीक है। और इस सेपरेशन की वजह से जो आपके पार्टनर है वो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में है। वो हमेशा, देखिए किस तरीके से इंसान मायूस हो चुका है, ये देखिए, ये उसके इमोशंस है, ठीक है, ये जो है उसके इमोशंस है,
वो बह रहे हैं, वो बहे जा रहे हैं, उसके मन में फ्लड आया हुआ है इमोशंस का, यानी कि जितनी भी पुरानी चीज़ें, आप दोनों की मेमोरीज हो गई, आप दोनों की बातें हो गई, चैट हो गई, मिलना हो गया, जितनी भी चीज़ें वो सारी याद आ रही है, इमोशंस रुक नहीं पा रही हैं, बह रहे हैं, एक तरफ इमोशंस बहते जा रहे हैं, दूसरी तरफ रिग्रेट उनको जीने नहीं दे रहा, आपसे जुदा होकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो सारे सपने जो आपने एक दूसरे के लिए देखे थे, वो सारी चीज़ें जो आपको एक दूसरे के साथ करनी थी, वो रह रह के उनको याद आ रही है और वो चीज़ ना उनको जीने नहीं दे रही, चाहे दिन हो चाहे रात हो, उनको वो सारी चीज़ें एक तूफ़ान की तरह बार बार नज़र आती हैं, ऐसी चीज़ें जो वो जितना भी कोशिश करें मूव ऑन करने की, जितना भी ट्राई करें, वो नहीं भुला पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं भुला पा रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, जो आपकी पर्सन है ना, वो आपको ना, जैसे कि मैं सेंस कर पा रही हूँ, उनके मन में आपके लिए बहुत सारी प्यार भरी भावनाएं हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी फीलिंग्स है, पर्टिकुलरली आपके लुक्स को लेके। अगर आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं, तो आपके पार्टनर ना आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपके पार्टनर सोचते हैं, अभी इसी वक्त सोचते हैं, यार ये जो इंसान है, जो आप हैं, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितना ज़्यादा हैंडसम है, गुड लुकिंग है, हॉट है, ऐसा इंसान तो मुझे ढूंढने पर भी ना मिले, चिराग लेके ढूंढे ना तो भी ना मिले, और वो मेरी किस्मत में आए थे, उनको मेरी किस्मत में लिखा गया था। कितनी ज़्यादा फॉर्चुनेट बात है कि वो मेरे पार्टनर थे, और दुनिया को विश्वास नहीं होता था, वो चाहते थे कि दुनिया के सामने आपको अपना बना लें, बट आप थे भी उनके। लेकिन जितनी भी चीज़ें हुई ना, उससे सारी चीज़ें ख़राब हो गई, तो उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है बात। वो सोचते रहते हैं कि कैसे आप मिला करते थे, कैसे आप चल के आते थे, उनका ध्यान रखते थे, जिस तरीके का आपका पहनावा है, जैसे कोई फीमेल हैं आप सब, तो जिस तरीके से आप सूट डालते थे, या फिर पटियाला सूट, या फिर कोई गाउन या कोई फ्रॉक, तो उनको ना बहुत सुंदर लगती थी ये बात, या उनकी चॉइस की कोई चीज़, या उन्होंने आपको जो ड्रेस गिफ्ट की हो। सेम फॉर बॉयज़, जो भी आप फॉर्मल्स में आते थे या कभी कभी कैजुअल्स में, तो वो आपका पूरा अटायर उनको ना बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही हैं, और आपके अलावा कहीं नज़र ही नहीं जाती थी उनकी, मतलब इतने ज़्यादा परफेक्ट कि लोग भी कहते थे, यार ये सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये सच में तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, या फिर ये आपके पार्टनर हैं क्या। तो उनको ना बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता था इस पर, वो आपको निहारते रहते थे, इनफैक्ट अभी भी आपकी ना फ़ोटो देखते रहते हैं, बार बार रुक नहीं पाते अपने आप को, एक तरफ से फ़ोटो देखना, दूसरी तरफ से आंसुओं का बहते जाना, रुकना नहीं। तो ये सारी चीज़ें अभी करेंटली चल रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ में ना। दिन में कभी कभी ऐसा हो पाता है कि वो शांति से बैठे, उनका मन शांत हो, कितना रोए इंसान, कितना भी रोए, एक टाइम आता है ना, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाता है, पुरानी चीज़ें याद करता है, लेकिन कहता है, यार ठीक है, जो भी हुआ छोड़ो, अब आगे क्या कर सकते हैं। और उसी टाइम आपके पार्टनर की ना कुछ सीक्रेट फैंटेसीज़ है, जो हम यहाँ पे जानेंगे, आपके पार्टनर अकेले में बैठ के क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनके सीक्रेट्स, डीप थाट्स और नोटी नोटी थाट्स, ठीक है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, रीडिंग को पॉजिटिवली लें, ठीक है। तो हम देखना शुरू करते हैं, ये जो आपके पार्टनर है ना, ये बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत एक्सप्रेसिव तो नहीं है, समझे, यानी कि छुपे रुस्तम टाइप्स, ऐसा लगता नहीं है कि वो आपके सामने एक्सप्रेस करते होंगे, या तो ये ना थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, थोड़े शाय नहीं भी हैं, तो वो थोड़े ना रिजर्व टाइप के हैं, मतलब जो उनके मन में आपके लिए सेक्सुअली फीलिंग आती है, फिज़िकल चीज़ें आती है, वो ना आपको बताते नहीं, आपसे डिस्कस नहीं करते। तो वो चीज़ आज हम ढूंढ लेंगे, ठीक है, कोऑपरेट करते रहिए। आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर के बारे में सोचना है, ठीक है, धीरे धीरे मेडिटेट करना है, यानी कि पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना है, उनका नाम मन में लेते रहें, ठीक है, और रीडिंग पर ध्यान दें, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे मुझे फीडबैक ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे एक कार्ड आया है, डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मीनिंग है डेथ, यानी कि ये नहीं किसी की डेथ होना, इसका मीनिंग है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप दोनों की लाइफ में, या आपकी पर्टिकुलरली आपके पार्टनर की लाइफ में एंड होना तय है, ठीक है उनका, और बहुत सारी नई चीज़ों का
शुरुआत होना भी तय है। तो आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है मैं बताती हूँ। आपके पार्टनर अभी इस टाइम सोच रहे हैं कि यार काश ये सारी चीज़ें, काश ये सारी दूरियाँ जो हैं वो छट जाएँ, दूर हो जाएँ और मैं अपने पार्टनर के साथ फिर से आ जाऊँ। अब उनकी फैंटेसीज़ ये हैं, जैसे कि आपके पार्टनर अक्सर सोते टाइम ड्रीम्स में इमेजिन करते हैं कि आप उनके पास हो और आपके आसपास कोई ना हो, पर आपको लेके ना वो कहीं दूर चले जाएं। मतलब वो ट्रैवल करने का सोचते हैं आपके साथ, वेकेशन पे जाना, हॉलीडेज़ पे जाना, टाइम स्पेंड करना। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर ना कहीं ऐसे एरियाज़ में जाना चाहते हैं जहाँ पे पानी हो, यानी कि बीचेस हो या फिर या हिल स्टेशन हो, जैसे कि जहाँ ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स होते हैं वैसी जगहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, या फिर दूर दूर तक वाटर बॉडीज़ है। यानी कि वो चाहते नहीं हैं कि आपको कोई डिस्टर्ब करे, है ना। जहाँ पे प्राइवेसी हो आप दोनों हो, वो आपको अपनी दिल की बात बता पाए, आप अपने दिल की बात उनसे कह सके। आपके पार्टनर को ना मैं यहाँ पे देख रही हूँ बहुत ना, वैसे तो रियल लाइफ में एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। डोमिनेंट कैसे? सेक्सुअली, यानी कि वो आपको ना लीड करना पसंद करते हैं। यानी कि अगर आप उनके साथ अभी तक फिज़िकल हुए हैं या फिर होना चाहते हैं या होने वाले हैं, तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि वो ना, जैसे कि आप फिज़िकल हो रहे हैं या तो इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो वो हमेशा आपको ना डोमिनेंट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि वो आपको लीड करते हैं, यानी कि उनको नई नई चीज़ें ट्राई करना पसंद है और वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ कोऑपरेट करें। देखिए, हर किसी का प्यार जताने का तरीका अलग होता है, कोई बातों से, कोई गिफ्ट से, कोई इजहार करके। इनका एक तरीका ये भी है फिज़िकल होना, यानी कि वो फिज़िकल होते होते अपना प्यार जताना चाहते हैं, आपको प्यार से रखना चाहते हैं अपने साथ, आपको बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपना लव इजहार करना चाहते हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर को ना आपका हग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि वो चाहते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप उन्हें हग करते हैं। दिल से दिल मिलना, बॉडी से बॉडी टकराना, एक दूसरे का छूना और आसपास हवा का चलना, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर ऐसा फैंटेसाइज़ करते हैं आपके बारे में, मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो मिस करते हैं कि कैसे आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ा करते थे, कैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ खो जाते थे। ऐसा लग रहा है कि आपको अलग दूर कहीं प्लेस में ले जा के आपके पार्टनर जो है लीड करना चाहते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि आप उनकी बाहों में हो, ठीक है। वो चाहते हैं कि वो अपनी बाहों में आपको लेके किस करें, या फिर बहुत लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ उनको हॉर्स राइडिंग करना भी बहुत पसंद है, मे बी, ठीक है। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ थोड़ी सी नॉटी है बात, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। यहाँ मैं देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, बहुत सारे लोग वो ना आपको इमोशनली बहुत कुछ ऑफर करना चाहते हैं, यानी कि प्यार से रखना चाहेंगे। अगर वो ये सोचते हैं कि मेरे पार्टनर आ गए मेरे पास, तो दुनिया की हर खुशी देने की कोशिश वो आपको करेंगे। कोई भी खुशी आपको, कोई चीज़ पसंद हो, खाने की, पहनने की, जाने की, सारी विशेज़ आपकी फुलफ़िल करना चाहते हैं। एक चीज़ और, आपके पार्टनर को ना आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा पसंद है। बॉयज़ है तो बॉयज़ की, गर्ल्स है तो गर्ल्स की, यानी कि वो ऐसा कुछ चाहते हैं कि आप दूर जाएं और आप दोनों अकेले हों, और वो आपको ऐसे देखना चाहते हैं सिर्फ अंडर गारमेंट्स में या विदाउट क्लोथ्स। उनको ना आपकी बॉडी निहारना बहुत ज़्यादा पसंद है, यहाँ मैं देख पा रही हूँ। और ये भी देख पा रही हूँ कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं, एक साथ बैठे हैं नदी के किनारे, बादलों से घिरे हुए, पंछियों से घिरे हुए, वहाँ पे भी आप मेकआउट करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, प्यार भरी चीज़ें आपके पार्टनर आपके साथ करना चाहते हैं। ये सारे मैसेजेस मैं भी देख पा रही हूँ। वो ये भी चाहते हैं, आप में से हो सकता है कई लोग डांस भी बहुत अच्छा करते हो, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप वो बैठे रहें नदी किनारे, शाम का माहौल है, लकड़ियों से आग जला रखी है, और आप उनके लिए एक सेक्सी सा, हॉट सा डांस करें, उन्हें प्लीज़ करें, उन्हें खुश करने की कोशिश करें, किसी गलत वे में नहीं, एक लविंग वे में उनके लिए कुछ डांस प्रेजेंट करें। या हो सकता है कि आप दोनों के बीच ऐसी कोई बातें हुई हों
तो कुछ इस तरीके से, या फिर आपके पार्टनर आपको बिठा के आपके लिए खुद खड़े होके कुछ गाना गाएं या कोई शायरी सुनाएं या बताएं कि वो आपको कितना पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक एंड जैसे होता नहीं हनीमून वाइब्स, कुछ उस तरीके की वाइब्स है। अच्छा, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप में से बहुत लोग शायद वो वाली रीडिंग मेरी देख के आए हैं, हनीमून डिटेल्स। अगर आपने नहीं देखी है तो वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे भी आपके साथ रीडिंग रेजोनेट ज़रूर करेगी। तो आशा करती हूँ ये प्यारी सी क्यूट सी रीडिंग आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के जाइएगा, क्योंकि कल लेके आऊँगी मैं इसी समय एक बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक वीडियो के साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार ज़रूर भर भर के दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए एंड खुश रहिए।